जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी साहित्य में अपन पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, हिंदी साहित्य की एक क्लास रोज होती है अपनी। और हिंदी साहित्य में आपके लिए यहाँ पर 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको जो है परचेस कर सकते हैं। इसमें 4700 प्रश्न होंगे और सभी कवि और लेखकों का क्रमबद्ध जीवन परिचय आपके लिए यहाँ पर मिलेगा। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर। ये हिंदी साहित्य का ऐप है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें। और जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो भाई इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर क्या पूछे गए हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है, बताइए। वह रचना आपके लिए बताना है कौन सी वह रचना है। प्रीति जी, गुरप्रीत जी, पूर्णिमा जी, क्या होगा सही राइट आंसर? कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है, विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस या फिर दोहावली? तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर 51 में, आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है ये ब्रज भाषा की रचना नहीं मानी जाती है, विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला पूछा गया है, सूर सागर में कितने स्कंद हैं, ये आपके लिए बताना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। सूर सागर में कितने स्कंद हैं, स्कंद चयन करना है, इसमें 10 स्कंद हैं, 12 या फिर 14 या फिर 16। 52वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 52 का सही राइट आंसर चयन करना है राजन सिंह जी, क्या होगा सही आंसर। सूर सागर में कितने स्कंद हैं और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि इसमें विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा यानी कि इसमें 12 स्कंद हैं, ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53 पूछा गया है कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, भक्तन को कहा सीकरी सो काम और ये पंक्ति मानी जाती है सूरदास जी की, कुंभन दास, नंददास या फिर सुंदर दास। सुनित सिंह जी, तो सही राइट आंसर होगा ये पंक्तियां मानी जाती है किनकी, ये पंक्ति कुंभन दास जी की मानी जाती है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है कुंभन दास, बिल्कुल सही, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 54 देखते हैं, देखिए क्या पूछा गया है, एरा क्वेश्चन नंबर 54, अष्टचाप के किस कवि को जड़िया कहते हैं, बताइए। जड़िया उपाधि से विभूषित किया गया है, किनको विभूषित किया गया है, बताइए। चित स्वामी को, कुंभन दास, सुंदर दास या फिर नंद दास? तो सही राइट आंसर होगा यहाँ पर मंजू जी, क्या होगा सही राइट आंसर लवली जी? तो बिल्कुल सही राइट आंसर अष्टचाप के भाई कवि कौन है, तो चमगन में आप सभी का डी राइट आंसर आ रहा है, नंददास। कौन है? नंददास आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। टमाटर जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या दिया गया है कि रास पंचाध्याय किस छंद में है, ये आपके लिए छंद बताना है, दोहा में है या फिर चौपाई में, छप्पाई में या फिर रोला में? 55 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे, रास पंचाध्याय बताना है किस छंद में है। सागर जी, बाबा जी और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 55 में, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी राइट आंसर है यानी कि ये रोला छंद में है, रोला आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, रास पंचाध्याय रोला छंद में है, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 56 है,
क्या पूछा गया है? देखिए, रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था? वह कांड आपके लिए बताना रामचरितमानस, बताइए रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया था? बाल कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड या फिर लंका कांड? और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर 56 में विकल्प नंबर जो सी है वह आपका सही राइट आंसर है, किष्किंधा कांड यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। रामचरितमानस का ये जो कांड है किष्किंधा कांड है, ये कहाँ पर लिखा गया था? काशी में लिखा गया था, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 57वां क्वेश्चन है, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठी गयो काठ सिंगार, किसकी मृत्यु पर कहा गया है? ये आपको बताना है किसकी मृत्यु पर ये दोहा, ये जो पंक्ति दी गई है किसकी मृत्यु पर कही गई है बताइए। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु या फिर हित हरिवंश या फिर नंददास, और सही राइट आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही 57 में आपका सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि हित हरिवंश आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। हित हरिवंश जी की मृत्यु पर ये कहा गया था, ये पंक्तियां कही गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 58, चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगी, यह पंक्ति जो है नाभादास ने किसके संदर्भ में कही है ये पंक्ति बताइए, सुंदरदास, तुलसीदास, नंददास या फिर सूरदास? नाभादास जी की पंक्ति मानी जाती है और किसके संदर्भ में कही है? तन्मय जी, बिंदु जी, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 है और 58 में विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा यानी कि नंददास आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, नंददास जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 59वां क्वेश्चन है कि भक्ति काल के किस कवि ने ऋतु वर्णन किया है बताइए, भाई कौन से कवि हैं भक्ति काल के? जिया जी, क्या होगा सही आंसर? रहीमदास है या फिर सेनापति है या फिर अग्रदास है या सूरदास है? तो भक्ति काल के भाई कवि बताना है जिन्होंने ऋतु वर्णन किया है और सही राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा यानी कि सेनापति, सेनापति जी ने जो है ऋतु वर्णन किया है और ये जो है भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 पूछा गया है, कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ आपके लिए बताना है वैराग्य संदीपनी है या फिर कवितावली है, रामज्ञा प्रश्नावली है या फिर दोहावली है बताइए। गीता सिंह जी, अनिल जी, तो कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है? और 60 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि रामज्ञा प्रश्नावली। रामज्ञा प्रश्नावली ये जो है ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है, तो विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर दिया गया है कि कौन सी रचना सोहर छंद में है, वह रचना आपके लिए बताना है, 61वां क्वेश्चन है बताइए। 61 का सही आंसर बताना है कवितावली है, गीतावली है या फिर दो विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं वैराग्य संदीपनी है या रामलला नेहचू है, इन दोनों विकल्प में से बताइए कौन सी रचना सोहर छंद में है। और सही राइट आंसर आ रहा है 61 में रामलला नेहचू यानी कि विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आपका सही राइट आंसर होगा, रामलला नेहचू इस सोहर छंद में ये रचना है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रामानंद किस संप्रदाय में आते हैं ये आपको बताना है 62 में, ये अद्वैतवाद या फिर विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद? अरुण जी, ज्योति जी, क्या होगा सही राइट आंसर?
रामानंद बताना है, रामानंद किस संप्रदाय में आते हैं, 62वां क्वेश्चन है और आप सभी का बी राइट आंसर होगा 62 में, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद में आते हैं रामानंद। बिल्कुल सही राइट आंसर है, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 पूछा गया है, रामानुजाचार्य के शिष्यों में रामानंद थे, कौन से शिष्य थे, 11वें, 12वें, 13वें या फिर 14वें, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 63वां क्वेश्चन पूछा गया है तन्मय शर्मा जी, रामानुजाचार्य के शिष्यों में रामानंद थे, तो आप सभी का सही आंसर होगा 63 में डी, यानी कि 14वें शिष्य थे, कौन, रामानंद, रामानंद किनके, रामानुजाचार्य के, तो विकल्प नंबर आपका डी जो है भाई आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 पूछा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के कितने ग्रंथ माने, यानी कि तुलसीदास जी के कितने ग्रंथ माने हैं, ये आपको बताना है, 13, 14 या 25 या फिर 26, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 64वां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के कितने ग्रंथ माने हैं, और सही राइट आंसर है इन्होंने माने हैं 25 ग्रंथ, कितने माने हैं, 25 आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है अनुका जी उनका सही राइट आंसर होगा, बहुत सारे लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के कितने ग्रंथों की चर्चा की है, बताइए, यहाँ पर शुक्ल जी के अनुसार बताने हैं आपके लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो 25 ग्रंथ माने हैं, शुक्ल जी ने 12, 10, 14 या फिर 18 ग्रंथों की चर्चा की है, बताइए। क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और 65वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 65 में आपका राइट आंसर 12 सही आंसर, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आचार्य शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के कितने ग्रंथों की चर्चा की है, 12 आपका सही राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66 पूछा गया है, उनका सारा काव्य समन्वय की ब्राट चेष्टा है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, कई बार ये पूछी गई महत्वपूर्ण पंक्ति है, बताइए क्या होगा सही आंसर। संदीप जी, तो सही राइट आंसर होगा, उनका सारा काव्य समन्वय की ब्राट चेष्टा है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, सभी लोग बता रहे हैं कि ये पंक्ति मानी जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बिल्कुल सही राइट आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा था, ये उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है, बिल्कुल सही, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 पूछा गया है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पर लसी तुलसी की कला, कथन किसका माना जाता है, ये कथन आपसे पूछा गया है, हरिओत जी का कथन है या नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, क्या होगा सही राइट आंसर। ये कथन जो दिया गया है, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पर लसी तुलसी की कला, ये कथन माना जाता है किनका, हरिओत जी का, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो एक है वह सही राइट आंसर होगा, हरिओत आपका सही राइट आंसर यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल किसने कहा है, बताइए, 68वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर स्मित ने या फिर शुक्ल जी ने, मायराम जी क्या होगा सही आंसर बताइए। और 68 में आप सभी का सी राइट आंसर आ रहा है, यानी कि सी में स्मित, स्मित तो स्मित जो थे इन्होंने रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल कहा है स्मित ने, और यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है विकल्प नंबर सी, माया जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा है,
69वां क्वेश्चन है, बताइए स्मिथ ने, ग्रियसन ने, नाभादास ने या फिर आचार्य शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 69 दिया गया है और 69 का सही राइट आंसर क्या होगा? हाँ सागर जी बिल्कुल, तो आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर 69 में, विकल्प नंबर जो एक है भाई राइट आंसरों का, स्मिथ यहाँ पर सही राइट आंसर है। स्मिथ ने कहा है तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर 70वां क्वेश्चन कि तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियसन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, स्मिथ ने या फिर गिलक्राइस्ट ने। 70वां क्वेश्चन है, 70 का सही आंसर बताना है क्या होगा सही आंसर। विजय लक्ष्मी जी, अनिल जी, मोहित जी सही राइट आंसर है यहाँ पर, विकल्प नंबर 70 में एक सही राइट आंसर है, जॉर्ज ग्रियसन यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है तुलसीदास जी को किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन जी ने, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे 71वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से पहले कौन सा कांड है और उसके बाद कौन सा कांड है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछ लिया गया आपसे, बताइए। ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, किष्किंधा कांड से पहले का कांड बताना है और उसके बाद का कांड बताना है, कौन कौन से हैं बताइए। चार विकल्प हैं यहाँ पर, इनमें से आपको चयन करना है। और 71 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अरण्य कांड और सुंदर कांड, ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर होगा, अरण्य कांड और सुंदर कांड, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। सभी लोगों ने यहाँ पर ये विकल्प चयन किया है, विकल्प नंबर बी तो सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, तुलसी ने बाहुपीड़ा निवारणार्थ किस ग्रंथ की रचना की है, बताइए। वह ग्रंथ आपके लिए बताना है कौन सा वह ग्रंथ था, कवितावली, गीतावली, हनुमान बाहुक या फिर बरबई रामायण। एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग वीडियो को, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर ले। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 पूछा गया है और 72 का सही राइट आंसर होगा हनुमान बाहुक, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वह सही राइट आंसर है। तुलसीदास जी ने ये जो है बाहुपीड़ा की मुक्ति के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी, हनुमान बाहुक की, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 73 दिया गया है, तुलसी ने ज्ञान दीपक प्रसंग का वर्णन किया है किसमें, किष्किंधा कांड में, अरण्य कांड, उत्तर कांड या फिर लंका कांड में। राम बहादुर जी क्या होगा सही राइट आंसर? ज्योति जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 173 है, सॉरी 73वां क्वेश्चन है और 73 में आपका सी राइट आंसर होगा। हाँ रीनू जी, तो 73 का सी राइट आंसर, उत्तर कांड आपका सही राइट आंसर होगा, उत्तर कांड जिन्होंने चयन किया विकल्प नंबर सी उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। सभी लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, बताइए कौन है भाई पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कुंभन दास को, सूरदास को या फिर चतुर्भुज दास को या नंद दास को? देवव्रत जी बताइए, किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? और 74 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी यानी कि सूरदास आपका सही राइट आंसर होगा। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, विकल्प नंबर बी सभी लोगों का यहां पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, तुलसीदास जी का सॉरी सूरदास जी का जन्म स्थान बताना है क्या माना जाता है, बताइए। सूरदास जी का पूछा है,
चयन कीजिएगा, पारसोली है, रुनकता है, सीही ग्राम है या फिर आगरा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 75 है और 75 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी है वह आपका सही राइट आंसर है, सीही ग्राम। सीही ग्राम आपका सही राइट आंसर होगा, सीही ग्राम जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, किसने टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है बताइए, हरिदास ने, सूरदास ने या फिर दामोदर दास ने या फिर परशुराम देव ने बताइए। प्रमोद जी क्या होगा सही राइट आंसर? सुमन यादव जी, किसने टट्टी संप्रदाय की स्थापना की है और आप सभी का विकल्प नंबर एक यहां पर सही आंसर आ रहा है, हरिदास। हरिदास आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 76 में विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर है। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र की जोड़ी आपके लिए बताना है, 77वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बताइए, कृष्णदास परमानंद दास या कुंभन दास कृष्णदास या फिर कुंभन दास चतुर्भुज दास या फिर चीत स्वामी गोविंद स्वामी और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्या राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 77 में सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कुंभन दास और चतुर्भुज दास आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 78 आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी रचना कोष ग्रंथ है बताइए, कौन सी रचना कोष ग्रंथ है, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 78 पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे 78 में, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा बताइए। 78 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहां पर विकल्प नंबर 78 का जो खा है विकल्प नंबर बी वह आपका सही राइट आंसर है, अनेकार्थ मंजरी कोष ग्रंथ है, अनेकार्थ मंजरी जो है ये कोष ग्रंथ माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे भंवर गीत लिखने का श्रेय दिया जाता है ये आपको बताना है बताइए, किसे भंवर गीत लिखने का श्रेय दिया जाता है, नंददास परमानंद दास चतुर्भुज दास या फिर सूरदास मदन मोहन। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहां पर क्या होगा सही राइट आंसर, 79 का विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है, यानी कि नंददास। नंददास आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, नंददास जिन्होंने चयन किया है विकल्प नंबर एक उनका सही राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। सुमन जी संगीता जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कौन सा संप्रदाय सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, वह संप्रदाय आपके लिए बताना है बताइए, कौन सा संप्रदाय जो सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और निवेदिता जी राइट आंसर चयन करना है क्या होगा सही आंसर, और 80 में सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर 80 का जो एक है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि हरिदास संप्रदाय, बिल्कुल सही राइट आंसर है, हरिदास ही संप्रदाय को सखी संप्रदाय नाम से ही जाना जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं बताइए, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश, विष्णु स्वामी, हरिदास निरंजनी या फिर स्वामी हरिदास। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या होगा सही आंसर, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 81 का सही आंसर चयन किया, विकल्प नंबर डी, डी यानी कि स्वामी हरिदास जो है, ये स्वामी हरिदास ये सखी संप्रदाय के माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर आपका डी जो है सही राइट आंसर होगा, डी वाला विकल्प जो है आपका सही आंसर है 81 में। इट्स रियांश जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु कौन थे ये आपको बताना बताइए,
रामानंद थे, कबीर थे, रैदास थे या फिर दादू थे। क्वेश्चन नंबर 82 है और 82 का सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? मीराबाई के गुरु कौन थे? और सभी लोग बता रहे हैं कि ये सरल क्वेश्चन है, रैदास जी इनके गुरु माने जाते हैं मीराबाई के। अब रैदास के गुरु कौन थे ये भी आपके लिए कमेंट में बताना है। मीराबाई के गुरु रैदास थे, रैदास के गुरु कौन थे बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 83 पूछा गया है कि सूरदास के किस ग्रंथ में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है बताइए, किस ग्रंथ में? भाई ग्रंथ आपको चयन करना है, सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ऋतु जी, सुनित जी बिल्कुल। तो आप सभी का यहां पर क्या होगा सही राइट आंसर ये चयन करना है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 83 में। और 83 का सही राइट आंसर आ रहा है, क्या रहा है राइट आंसर? विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर है, सी यानी कि साहित्य लहरी आपका सही राइट आंसर होगा। साहित्य लहरी आपका सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पार धैर्य लेकर आया हो, तुलसी के संदर्भ में यह किसने कहा है बताइए। 84वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 84 का सही राइट आंसर चयन करना है, सभी लोग चयन करेंगे सही आंसर बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? देखिए, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पार्य धैर्य लेकर आया, तुलसीदास के संदर्भ में किसने कहा है? 84 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका यहां पर सही राइट आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर बी, उनका सही राइट आंसर होगा। और 81 में आपका स्वामी हरिदास ही राइट आंसर है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ही माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, हिंदी का जातीय कवि बताना है बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर? 85वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय जो है उसके जो है प्रवर्तक जो है वह स्वामी हरिदास ही माने जाते हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या है यहाँ पर 85 में? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही राइट आंसर, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास जी को, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है बताइए सरिता जी, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है ये चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए, एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, बहुत ही कम लोगों ने अभी वीडियो को लाइक किया है, एक बार लाइक कर लें। 86वां क्वेश्चन है और 86 में आप सभी का सही आंसर है कि रूपकों का बादशाह कहा जाता है किन के लिए? तुलसीदास जी के लिए रूपकों का बादशाह है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। तनु जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 87 पूछा गया है, सुदामा चरित नामक खंड काव्य किसने लिखा है? सुदामा चरित एक खंड काव्य है और इसके लेखक आपको बताना है कौन माने जाते हैं बताइए, सेनापति है, सूरदास है, नरोत्तम दास है या फिर नंद दास है? 87 का सभी लोग चयन करेंगे सही आंसर, दामा शर्मा जी। और आप सभी का सही राइट आंसर है 87 में विकल्प नंबर सी नरोत्तम दास। सुदामा चरित खंड काव्य माना जाता है किनका? नरोत्तम दास जी का, ये बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर है। साखी बदही दोहरा कही कही नी उपखान, भगति नृपही भगत कली निंदही वेद पुराण। पंक्ति तुलसीदास ने किसके ऊपर कही है ये पंक्ति आपको बताना है बताइए, कबीर, सूर, तुलसी या फिर जायसी? और आप सभी का सही राइट आंसर होगा,
क्वेश्चन नंबर 88 में विकल्प नंबर एक सही आंसर है, ये कबीर में आपका सही राइट आंसर होगा। ये कबीर के लिए पंक्ति कही है तुलसीदास जी ने, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है कबीर दास जी, उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, ये पंक्ति आपको बताना है किन की है, ये पंक्ति तुलसीदास, सूरदास या फिर कुंबनदास या फिर कबीरदास। 89वां क्वेश्चन है और 89 में आप सभी का विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर है, तुलसीदास जी की पंक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है संध्या जी, उनका यहां पर सही राइट आंसर होगा। 89 में विकल्प नंबर एक है सही राइट आंसर, तुलसीदास जी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा क्या दिया गया, मातु पिता जग जाई तज्जो विधिहू ना लिखी कछु भाल भलाई, ये पंक्ति आपके लिए बताना है 90 में किसकी ये पंक्ति मानी जाती है, बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर है तुलसीदास जी की पंक्ति है मायराम जी, या फिर सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। ये जो पंक्ति दी गई है किनकी पंक्ति मानी जाती है 90वां क्वेश्चन है, और 90 में भी विकल्प नंबर एक आपका सही राइट आंसर है तुलसीदास जी की पंक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर एक यहां पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी आपसे पंक्ति पूछी गई है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है बताइएगा, हेरी माँ तो दर्द दीवाणी म्यारा दर्द न जानले कोई, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर बताना है, बताइए। ये पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मीराबाई, इन दोनों विकल्प में से ही आप चयन कीजिएगा किनकी ये पंक्ति मानी जाती है। और 91 का सही राइट आंसर है लवली जी और अनिल जी, विकल्प नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है, मीराबाई जी की पंक्ति मानी जाती है, मीराबाई जिनके गुरु रैदास थे, और बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92 पूछा गया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी बताइएगा, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने या फिर गुरु तेग बहादुर ने, बताइए। खालसा पंथ की स्थापना आपके लिए बताने किसने की थी, अनिल जी। हाँ तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92 जो दिया गया है, 92 का सही राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह सही राइट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह आपका सही राइट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, और कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है ये आपको बताना है, बताइए कौन नहीं है, चयन करना है। चार विकल्प दिए गए हैं, सूरदास नहीं है, कुंबनदास, परमानंद दास या फिर नंददास। 93वां क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर लें, और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा सभी लोग। विवेक जी हाँ, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। 93 में आप सभी का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, नंददास, नंददास आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस का प्रधान रस बताना है, सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या होगा सही आंसर, रामचरितमानस का प्रधान रस बताना है, कौन सा माना जाता है, श्रृंगार है, वीर शांत या फिर रौद्र रस है। और यहां पर सही राइट आंसर है कि रामचरितमानस का जो रस माना जाता है प्रधान रस है वह माना जाता है शांत रस, विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है, शांत रस, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुता है, पहेलियों का संकलन है या फिर मुकनियों का संकलन है या फिर फारसी हिंदी शब्दकोश है
या फिर मनोरंजन परक रचना है? 95 में सही राइट आंसर चयन करना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। पंचानवे में सही आंसर बताइए, खुसरो की रचना कालिक बारी वस्तुता है, ये क्या मानी जाती है? ये फारसी हिंदी शब्दकोश मानी जाती है। विकल्प नंबर सी जो है आपका सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यही रूप शक्ति और सेऊ, यही रूप त्रिभुवन कर ज्यू, पंक्ति किस कवि की है, बताइए। 96वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 96 में जो पंक्ति दी गई है मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है, या फिर तुलसीदास, या मंजन, या फिर कुतुबन, किनकी पंक्ति मानी जाती है, बताइए। यही रूप शक्ति और सेऊ, यही रूप त्रिभुवन कर ज्यू, और आप सभी का 96 में सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, ये मंजन जी की पंक्ति मानी जाती है। मंजन जिन्होंने विकल्प नंबर सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है मंजन। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 97, जसोदा कहाँ कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह, पे कहते कहे नहीं जात, ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं, बताइए। ये पंक्तियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पंक्तियां आपसे मुस्कान जी यहाँ पर पूछी जा रही हैं, खुशबू जी और नामवीर जी क्या होगा सही राइट आंसर। और सही राइट आंसर है ये पंक्तियां मानी जाती हैं चतुर्भुज दास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर चतुर्भुज दास सही आंसर चयन किया है। नायिका वेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार बताइए, रसमंजरी सरल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सूरदास, बिहारी, नंददास या फिर विद्यापति। नायिका वेद पर आधारित ग्रंथ है रसमंजरी, रचनाकार आपसे पूछा गया है, और आप सभी का सही आंसर है नंददास, लगा दीजिएगा सही राइट आंसर 98 में, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, 98 का सी यानी कि नंददास। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 99 पूछा गया है, यह पंक्ति किसकी है, हिंदू मग पर पांव न राख्यो, का बहुत जो हिंदू वाख्यो, बताइए। दुर्गेश जी किनकी पंक्ति है, जायसी, नूर मोहम्मद, मंजन या फिर कुतुबन, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि ये पंक्ति तो मानी जाती है किनकी, विकल्प नंबर क्या लगा दें सही आंसर, बिल्कुल सही 99 में लगा देते हैं विकल्प नंबर बी नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद लगा देते हैं सही राइट आंसर, बिल्कुल सही नूर मोहम्मद, हमने भी सही आंसर लगा दिया, आप लोगों ने भी सही आंसर दिया। अगला क्वेश्चन है, किसका समय सबसे पहले है, सबसे पहले किसका समय आता है, कबीरदास, रैदास, धर्मदास या फिर दादू दयाल, बताइए। सभी लोग चयन कीजिएगा, लाइक बहुत ही अभी भी आधे से लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है किसका समय सबसे पहले आता है, और 100 में सही राइट आंसर है कि भाई आता है रैदास जी का समय सबसे पहले, विकल्प नंबर बी यहां पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जो कि यहां पर सही आंसर है रैदास, रैदास आपका बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वो बीती रही साऊ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बेचारी, के वसु वृंदा बन आए, पंक्ति किस कवि की है, क्वेश्चन नंबर 171 में आपके लिए बताना है ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, 101 में सही राइट आंसर बताइए। अरविंद जी बिल्कुल, तो आप सभी का सही राइट आंसर ये पंक्ति मानी जाती है, 101 में जो पंक्ति दी गई है ये ध्रुवदास जी की पंक्ति मानी जाती है, ध्रुवदास लगाइएगा विकल्प नंबर सी में सही राइट आंसर, किनकी पंक्ति है, ध्रुवदास जी की पंक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 102 पूछा है, काशी में हम प्रगट भई रामानंद चिताई, बताइए ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, काशी में हम प्रगट भई रामानंद चिताई, पंक्ति है कबीरदास की, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, किनकी पंक्ति है,
और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर एक, यानी कि रैदास आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सॉरी कबीर दास आपका सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबई चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है, बताइए मुल्ला दाऊद या फिर कासिम शाह या फिर कुतुबन या नूर मोहम्मद, बताइए प्रेम चौरसिया जी क्या होगा सही राइट आंसर, चार विकल्प है प्रियंका जी, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरबई चौपाई छंदबंद का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर 103 में डी राइट आंसर नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद आपका सही राइट आंसर होगा जो कि सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया है, वह सिद्धांत आपके लिए बताना है द्वैतवाद है या फिर अद्वैतवाद है, विशिष्टा द्वैतवाद है या फिर अद्वैतवाद है, बताइए किस सिद्धांत का प्रसार जो है रामानुजाचार्य ने किया है, और 104 में आप सभी का सही राइट आंसर 104 का विशिष्टा द्वैतवाद आपका सही राइट आंसर है अनिल जी, विकल्प नंबर सी राइट आंसर लगा दें, सभी लोग विशिष्टा द्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया है किन्होंने, रामानंद जी ने। और अगला क्वेश्चन है आलवार संतों की संख्या, आलवार संतों की भाषा बताना है और संख्या ही बता दीजिएगा कितनी है, बताइए आलवार संतों की भाषा कौन सी थी और आलवार संतों की संख्या कितनी थी, तमिल इनकी भाषा थी या तेलुगु कन्नड़ या फिर मलयालम, बताइए और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहां पर सोनू जी क्या राइट आंसर, बिल्कुल सही विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा पांच में, बिल्कुल यानी कि आलवार संतों की जो भाषा है वह तमिल मानी जाती है, इनकी संख्या 12 मानी जाती है, आलवार संतों में एक महिला संत भी थी, महिला संत का नाम बता दीजिएगा सभी लोग, महिला संत कौन थी बताइए, महिला संत थी इसमें आलवार, महिला संत कौन थी, आलवार संतों की भाषा तमिल है, इनकी संख्या 12 है और इनमें एक जो महिला संत थी वह कौन थी, अंडाल, बिल्कुल सही अंडाल थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया पूनम रानी जी और रनु जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। अब आगे पढ़ते हैं अपन, कल पढ़ेंगे कहाँ पर रीति काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल संदीप जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, रीतिकाल में अपन जो है पढ़ते हैं और कल आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे और एक सुबह 9 बजे, तो इन दोनों क्लास इसी चैनल पर होती है, एक शाम को 4 बजे क्लास होती है आपकी स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। और मयराम जी हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेकर आए हैं, जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में परचेस कर सकते हैं, 4700 प्रश्न है। हाँ अनिल जी भक्ति कल खत्म हो गया और यहाँ पर आपको 299 में आप परचेस कर सकते हैं इसको, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस ऐप पर, और इस ऐप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप प्ले स्टोर पर जाइए डाउनलोड कीजिएगा और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड कर लें। आप सभी लोग सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों ने यहाँ पर सही तरीके से आंसर दिए हैं सभी लोगों ने, अर्चना जी लवली जी अनिल जी संदीप जी सोनू जी तन्मय जी और बिंदु जी राजीव जी रीता देवी जी रीनू जी देवव्रत जी तन्मय शर्मा जी राजीव मौर्य जी पूनम रानी जी और रीनू सूर्यवंशी जी ममता सैनी जी अपनी बुक हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न की डॉक्टर राम कुमार उपाध्याय मणि जी की रचना जो है बुक है मानी जाती है ममता जी, और प्रियंका जी अर्चना जी लवली जी पूनम जी प्रमोद जी बिंदु जी देवव्रत पांडे जी और संदीप जी शिल्पा जी विजय लक्ष्मी जी विवेक जी अनिल जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दीपमाला जी राजीव जी प्रियंका यादव जी और
सरिता गौतम जी और सागर कुमार जी, दुर्गेश जी, ज्योति, जिज्ञांसु जी, मायराम जी, पूरन जी, पूनम जी और बिंदु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनित सिंह जी, लाइक अवश्य करते जाइएगा। सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जिया यादव जी, सरिता गौतम जी और निवेदिता दुबे जी, सरिता गौतम जी और संगीता जी, प्रियंका यादव जी, अनिल जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। बिंदु लता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तन्मय शर्मा जी, हाँ बिल्कुल, प्रेम चौरसिया जी, ज्योति जी, छवि शंकर जी, लाइक अवश्य कर ले। मनोज जी, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, रोज इसी तरह से आपके लिए क्लास लाई जाती है, फ्री लाइव क्लास हिंदी साहित्य की आपकी लाइव चल रही है। सभी लोग जुड़िएगा इन क्लासों से। और आज के वीडियो में बस इतना ही। विपेंद्र कुमार जी, और सभी के लिए शुभरात्रि और सभी के लिए जय हिंद।